एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। किसी एक बहन को चार भाई थे। बुढ़ापे में पिताजी का अटैक पड़ गया। कनाडा में रहती, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी वो। माँ ने फोन लगवाया, अपोलो में पिताजी एडमिट हो गए, हार्ट का दौरा पड़ा। उनका एक बेटा जयपुर में था, एक बेटा चंडीगढ़ में था और एक बेटा उनका बेंगलोर में था। तीनों को उसने फोन किया, तीनों ने यही जवाब दे दिया कि पापा ने मुझे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दे दिया है ना, ये कहकर के फोन काट दिया। ये सत्य घटना है। फिर उसने अपनी बेटी को फोन लगाया ऑस्ट्रेलिया हॉस्पिटल से ही। उसके दामाद ने फोन उठाया, बेटी का नाम शायद मीरा था। दामाद ने उठाया, और उस बूढ़ी सी माँ ने कहा बेटा मीरा कहाँ है? दामाद ने कहा, माँ जी क्या हुआ है, आप बताइए तो सही। अब रो रही थी, उसको तो आवाज ही नहीं निकलती है। कहा एक बार बेटी से बात करा दो। बेटिया ने फोन लिया तो उसने कहा, मम्मी क्या बात है? माँ ने कहा, बेटी पापा को हार्ट अटैक आया है, अपोलो में एडमिट है, और बेटी तू जितना जल्दी आ सके तो आ जा। उसने एक भी बार ये नहीं कहा कि भैया लोग तो वहाँ हैं। उसके मुंह से क्या निकला शब्द, उसने कहा, माँ चिंता ना कीजिए, हम रात्रि की फ्लाइट पकड़ते और कल दोपहर तक हम पहुँचते हैं। तत्काल उस जामाता ने फोन ले लिया और उसने अपनी सास माँ को कहा, और उसने कहा, माँ तुम ये ना सोचना कि तुम्हारे तीन चार ही बेटे हैं, एक मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और आप चिंता ना करना, मैं तुम्हारी बिटिया को लेकर के बहुत जल्दी मैं पहुँचता हूँ। दूसरे दिन 23 घंटे की फ्लाइट पकड़ करके, वो तीन थे क्या चार थे, वो तो नहीं आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वो बेटा और जामाता दोनों चल करके आए। तो कैसे सास ससुर होते हैं जो जामाता से लड़ते हैं, उठ पटांग बोल देते हैं। ये बेटी से भी ज्यादा वंदनीय है, बहुत पूज्य है। ये मंडप के नीचे इसके पाम पूजे हैं। जिन घरों में जामाता का आदर होता है, मान होता है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह वो परिवार बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं।